दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने, आई लव यू। जी हाँ, तो आखिरकार दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित हो ही चुके हैं और दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तैयारियां शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता दोस्तों कि राजधानी दिल्ली की सत्ता पर दोबारा नहीं तिबारा केजरीवाल के आने का प्रमुख कारण क्या है? जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि बिजली, पानी, स्कूल, शिक्षा ये मुद्दे खास रहे हैं दिल्ली की सत्ता पर दोबारा आने के लिए और अरविंद केजरीवाल का काम ही उन्हें दोबारा वापस लेकर आया है, ये तो हम सभी को पता ही है, राइट। लेकिन इसके पीछे, इस राजनीति और रणनीति के पीछे की कुछ खास बातें भी आपको बताएंगे, जिनका सच जानने के बाद आप भी शायद यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर क्यों बीजेपी राजधानी दिल्ली की सत्ता पर अपनी हुकूमत नहीं जमा पाई और वहीं कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला, बिल्कुल सोपड़ा साफ है कांग्रेस के अलावा जितने भी राजनीतिक दल थे। तो इससे पहले अपन दिल्ली चुनाव के कुछ नतीजों पर नजर डाल लेते हैं और फिर आपको बताएंगे वो 10 बड़ी वजह जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में सफल हो पाए हैं। आपको बता दें दोस्तों, अभी तक के चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी के खाते में 60 सीटें जाती नजर आ रही हैं, वहीं 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि 70 सीटों में से वैसे तो 36 सीटें बहुमत के लिए जरूरी हैं, लेकिन उनमें भी आम आदमी पार्टी ऑलरेडी आगे चल रही है, तो जाहिर से बात है दोबारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनने हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी की जीत पर आखिर क्या बोले अरविंद केजरीवाल, और इसी बीच मीडिया में और खासकर ट्विटर पर आप यानी कि आम आदमी पार्टी के बंपर जीत की खबरों के बीच डॉक्टर कुमार विश्वास भी खबरों में रहे। ट्विटर पर उन्हें लोगों के कई सारे ट्वीट सुनने पड़े, आखिर क्यों? तो लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के सिरमौर रहे जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को एक तरफ ट्विटर पर जन्मदिन की बधाइयों का तांता लगा, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के करीब पहुंचते ही उन पर मीम्स की बरसात हो रही है। प्रसिद्ध कवि और एक जमाने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे डॉक्टर कुमार विश्वास ने उन्हें पिछले कुछ सालों से पानी पी पी कर कोस रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कुमार ने लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और अब उन्हें जीत की ओर जाते हुए देखकर कुमार विश्वास के ही फैंस उनके मीम्स बना रहे हैं। तो ये तो राजनीतिक चर्चाएं चलती रहेगी। हम उन खास मुद्दों पर नजर डालते हैं दोस्तों कि जिनकी वजह से 10 वो मंत्र जिनकी वजह से लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में पहुंच पाए हैं। एक सफल राजनीति क्या होती है और रणनीति क्या होती है, शायद ये भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे इससे। तो इसमें तो कोई शंका नहीं है दोस्तों कि बिजली पानी उन्होंने फ्री किया था। अरविंद केजरीवाल ने इस बार सबसे बड़ा दांव बिजली और पानी पर खेला था, उन्होंने इसे लगभग फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री के चलते पिछले कुछ समय से काफी लोगों को बिजली का कोई बिल ही नहीं देना पड़ता था और पिछले साल अगस्त में केजरीवाल ने पानी के बकाया बिलों को भी माफ कर दिया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन बिछाने का भी दावा किया। दूसरा सबसे अच्छा कारण रहा शिक्षा, स्कूलों में सुधार। अरविंद केजरीवाल लगातार स्कूलों में विकास का मुद्दा उठाते रहे हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि सरकारी स्कूलों की हालत प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। पिछले 5 साल के दौरान शिक्षा का बजट भी बढ़ाया गया और आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह भी दावा किया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पिछले साल 12वीं की कक्षा में 96.2% बच्चे पास हुए थे जबकि प्राइवेट स्कूलों के 93% बच्चे ही पास हो पाए। तो ये तो वो कारण जो आपको ऑलरेडी पता ही है। इनमें एक और प्रमुख कारण ये भी रहा तीसरा, जिसमें हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक मतलब घर घर में करीब पहुंचकर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, ये भी एक बहुत अच्छा तोहफा रहा दिल्ली वालों के लिए। और आपको पता होगा हाल ही में रिसेंटली महिलाओं के लिए DTC बसों में किराया भी फ्री कर दिया। अच्छा, अब आते हैं असली राजनीतिक बातें, जिसमें 5वें पॉइंट में आप देख सकते हैं दोस्तों मोदी पर हमलावर न होना। पिछले करीब 1 साल से केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के रुख में हमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। बात बात पर पीएम नरेंद्र मोदी को कोसने वाले केजरीवाल ने अचानक चुप्पी साध ली। शायद उन्हें किसी राजनीतिक रणनीतिकार ने सलाह दी है कि पीएम मोदी पर निशाना बनाने का उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अच्छा, अब जो वजह और कारण आती है ना, वो प्रमुख कारण रहा दोस्तों बीजेपी की हार होने के पीछे, वो ये कि बीजेपी का सीएम फेस का न होना। बीजेपी ने अपने कई मंत्री पद अलग अलग पोस्टों पर खड़े तो किए, पदों के लिए खड़े तो किए, लेकिन अभी तक भी ये क्लियर नहीं था। जब तक चुनावी नतीजे पास में आ चुके थे तब तक भी ये क्लियर नहीं था, यहाँ तक कि चुनाव से पहले ये चीज क्लियर होना जरूरी था कि अगर बीजेपी जीती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री का फेस बीजेपी ने कभी बताया ही नहीं। सामूहिक विकास होगा, इस तरह की बातों से इस सवाल का जवाब हर बार टाल दिया गया और बीजेपी की हार के पीछे ये एक बहुत बड़ी वजह रही है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश ही नहीं किया। केजरीवाल अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है। पिछली बार बीजेपी ने किरण बेदी को सीएम के तौर पर पेश किया था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर सीएम के नाम को लेकर हमला करती रही है, जिसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा। 7वां मुद्दा ये भी रहा शाहीन बाग वाला मुद्दा। आपको पता होगा शाहीन बाग का मुद्दा भी इस चुनाव में काफी बड़ा हो गया था। केजरीवाल सोची समझी रणनीति के तहत एक बार भी शाहीन बाग नहीं गए। इसके अलावा पिछले दिनों सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान घायल हुए जेएनयू और जामिया के छात्रों से भी मिलने के लिए भी केजरीवाल नहीं पहुंचे। केजरीवाल बार बार ये कहते रहे कि शाहीन बाग का रास्ता गृह मंत्री अमित शाह को खुलवाना चाहिए।
हैं। आठवां पॉइंट आता है कि बीजेपी को हर मुद्दे पर जवाब दिया गया। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा गया कि जब भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को किसी मुद्दे पर घेरने की कोशिश की तो उसने उसी की भाषा में जवाब दिया। मसलन बीजेपी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा तो उठाया लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसे अपने स्कूली सिलेबस में जोड़ने का भी ऐलान कर दिया। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे। नवा मुद्दा आता है कांग्रेस कमजोर रही। इस बार कांग्रेस बेमन से दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी। आखिरी लम्हों में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार करना शुरू किया लिहाजा चुनाव में वोटों का बंटवारा नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, अगर कांग्रेस भी पूरी मशक्कत और शक्ति के साथ चुनाव लड़ती तो फिर बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और नेक्स्ट दसवां पॉइंट आता है सोशल कैंपेन में आगे। सोशल कैंपेन में बीजेपी हमेशा आगे रहती है लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार ट्विटर से लेकर फेसबुक तक हर मोर्चे पर बीजेपी से आगे रही जिसका फायदा भी चुनावी नतीजों में हमें दिख ही रहा। तो ये तो 10 खास बातें रही और दिल्ली चुनावी नतीजों में जीत की ओर रहे अरविंद केजरीवाल पर आखिर बड़े बड़े नेता अब क्या कमेंट कर रहे हैं। तो इसी बीच आप देख सकते हैं आपकी बढ़त पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी अरविंद केजरीवाल को बधाई दी और बीजेपी के लिए उन्होंने क्या बात कही है। तो आपको बता दें दोस्तों, राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर सामने आने के बाद एक तरफ जहां राजनेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाइयां दी जा रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेताओं की तरफ से इसी बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली चुनाव नतीजे पर कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है और इसके साथ ही ममता ने कहा कि लोगों ने बीजेपी को नकारा है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ विकास काम करेगा, CAA, NRC और NPR को खारिज कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंत के रुझानों के मुताबिक साफ तौर पर बीजेपी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है बल्कि दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता या तो पीछे चल रहे हैं या तो फिर उनकी हार हुई है। उसी तरह दिल्ली कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं ने फिर इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सिरसा का सामना करना पड़ा, यानी कि कांग्रेस का तो खाता भी खुलता नहीं नजर आ रहा, सोपड़ा बिल्कुल साफ दिख रहा। तो ये थे दोस्तों दिल्ली चुनावी नतीजों के कुछ ओवरव्यू और हाइलाइट्स। वैसे हम सभी की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से दिल्ली के दोबारा तिबारा बनने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। दिल्ली हमेशा विकास की ओर अग्रसर रहे यही हम सब चाहेंगे और दिल्ली ही नहीं पूरा हिंदुस्तान हमेशा विकास करता रहे। राजनीति अपनी जगह पर, चाहे कोई भी राजनेता हो दोस्तों, विकास और जनता की भलाई सबसे जरूरी है। और अगेन मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू अपकमिंग CM ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल। आगे भी भविष्य में दोस्तों आप जब भी चुनाव में किसी भी राजनेता को वोट दें तो बिल्कुल सोच समझ कर ही वोट दें। जो भी राजनेता आए हम उससे यही अपेक्षा करते हैं कि आम जनता की भलाई के लिए, विकास में, देश के डेवलपमेंट में उनका अच्छा योगदान रहे, भागीदारी रहे। यही उम्मीद हम अरविंद केजरीवाल से भी करते हैं और यही उम्मीद हम बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी करते हैं। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अगर इस दिल्ली चुनाव के बारे में आपके भी कोई राय, विचार, परामर्श हैं, सलाह मशवरा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम एक एक कमेंट्स को दिल से पढ़ते हैं तो कमेंट लिखिएगा आप जरूर कोई अच्छा सा। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।